क्योंकि पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये काफ़ी खूबसूरत मूवी है। ये वाली मूवी भी काफ़ी खूबसूरत मूवी है, त्रिभुवन की रेडियो काफ़ी खूबसूरत नजर आई है। दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ डोंगरगढ़ के कुम्हार पारा में, जहाँ पर की गणेश मूर्तियों को दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो गणेश मूर्तियों के मेकिंग का है, किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई जा रही है इस वीडियो में देख पाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को डोंगरगढ़ के कुम्हार पारा की गणेश मूर्तियों का मेकिंग का ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों यह है डोंगरगढ़ के कुम्हार पारा की गली, और सामने ही बबला मूर्तिकार है जो गणेश मूर्तियां बनाने में बिजी हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर की मूर्तियां बनाई जा रही है, ये देखिए मूर्ति बनाने का काम अभी भी स्टार्ट है दोस्तों यहाँ पर, और काफ़ी बारिश होने की वजह से मूर्तियाँ भी सूख नहीं पा रही है, तो फिर भी मूर्ति बनाने का काम यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों से स्टार्ट है। तो सामने बबला मूर्तिकार है जो डोंगरगढ़ से बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। तो कैसे रहा बबलू भैया साल, मूर्तियाँ बनाने का काम किस तरह से चल रहा है? अच्छा, कितने सारी मूर्तियाँ बना रहे हैं साल? अच्छा अच्छा, प्राइस वगैरह क्या रखे होंगे? अच्छा अच्छा, और कितने रुपए से स्टार्ट है आपके यहाँ की मूर्तियाँ, मतलब कितने रुपए से स्टार्ट है छोटी? अच्छा, तो देखिए दोस्तों आपने सुना होगा कि 100 रुपये से 10,000, 20,000, 16,000 तक यहाँ पर की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहे डूंगरगढ़ के बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार बाबला जी। ठीक है बाबला जी, मिलते हैं बाद में। और ये देखिए इतने सारी, ये बबला मूर्तिकार जी का घर है, और इस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही है। भाई जल्दी हटाओगे क्या भाई? ये देखिए ये है यहाँ पर की मूर्तियाँ, और लगभग 4.5 फीट की मूर्ति है। देखिए किस तरह से डिजाइन का यहाँ मूर्ति बनाया जा रहा है, और बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी दोस्तों यहाँ पर बनाई जा रही है जो सूखी नहीं है, अभी भी गीला है। और ये भी मूर्ति दोस्तों में काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, ये देखिए लंबोदर महाराज जी बैठे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनेगी जब ये रेडी होगी। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ये भी लगभग 7 फीट की मूर्ति है। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ढोलक बजाने, तो दोस्तों चूहे लोग यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं और शंकर भगवान की गोद में बैठे हुए हैं, और बाद में बाजू में जो है वो भी बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर की मूर्तियाँ हैं, और काफ़ी सारी मूर्तियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा गीली है, इनको भी बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए ये वाली मूर्ति भी काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, ये भी बन के रेडी होगी तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगी। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं बबला मूर्तिकार जी के यहाँ की, और अंदर इस कमरे के अंदर में भी बहुत सारी मूर्तियाँ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये देखिए ये है लगभग 2 से 2.5 फीट की मूर्ति है, बहुत सारी मूर्तियाँ इधर भी पीछे भी रखी हुई। ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। विश्वकर्मा स्टाइल में शंकर भगवान को यहाँ पर बनाया गया है, और इसको महाकाल भी बोलते हैं, बोल रहे हैं भाई साहब लोग। तो इस तरह से यहाँ पर भी खूबसूरत मूर्ति है, ये बनने के बाद और पेंटिंग होने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। और इसकी छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर जो इस गली के अंदर में रखी गई हैं। ये देखिए शंकर भगवान जी बैठे हुए ऊपर में, और इस तरह से ये मूर्ति है, काली माता जी हैं, और सामने गणेश भगवान बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।